दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 29 अगस्त 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, मैं मंगल आपका दोस्त, ये आकाशवाणी है, ये मैसेज फ्रॉम हेवन। मेरा मोबाइल एंड व्हाट्सएप नंबर 99 50 60 55। दोस्तों मैं आपको सलाह देता हूँ, जैसे कि आज आप मेरा वीडियो देखेंगे, इससे पहले पहले का वीडियो भी देख लिया करें। मैं भी लगभग यही नियम मैंने बना रखा है, क्योंकि कई बार उसका रिपीटेशन हो जाता है और कई बार क्या है कि उसको पहला का वीडियो भी देखना अच्छा रहता है। चलो, कल मैंने आप लोगों से कहा कि अब षडयंत्र के लिए या वैसे किसी परोपकारी काम के लिए कृपया मेरे खातों में पैसे न भेजें, जो भी कुछ आ गए कोई बात नहीं, आप पैसे न भेजें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस परोपकारी काम के लिए पैसे नहीं रखें। ये जो मैंने आपको बताया है कि 1 रुपये पर डे या 10 रुपये पर डे या 1 रुपये पर मंथ या 1 रुपये पर ईयर या लाइफ टाइम में सिर्फ 1 रुपया ही जो आपको देना है, और ये कोई ये मत समझना कि मेरे लिए दोगे, ये परोपकारी कार्यों में लगाना है, यह आपको आपके पास रखना है। पता नहीं जरूरत पड़ जाए, जो भी लोग इस काम हमारे काम से इत्तेफाक रखते हैं, प्यार करते हैं, आत्मीयता रखते हैं, उनको ये बता दिया जाएगा कि ये रुपए कहाँ देने हैं या किस काम में खर्च करने हैं, क्योंकि पैसे बिना कोई काम नहीं होता। और अब भारत में बड़े अर्जेंट काम आने वाले हैं, पहले से भी देखो भाई, हम तो सभी के भले के लिए कामना करते हैं, देश के लुटेरे, लफंगे, बदमाश, उनके लिए भी हम अच्छे होने की कामना करते हैं कि उनकी आंखें खुलें, देश को नहीं लूटें, दुनिया को नहीं लूटें, दुनिया को मारे नहीं, क्योंकि कर्म का फल तो मिलता है, फिर उनके साथ ही बुरा होगा। हम सबके भले भले के लिए कामना करते हैं, और कभी हम ऐसा वैसा कठोर भी बोलते हैं तो भी सबके भले के लिए। ठीक है जी, आप ऐसा करें। अब देखो, ये जो है कि मुझसे कहा, मैंने कहा, लोगों ने कहा कि परमात्मा बोला है, कि देववाणी बोला है, ये कुछ षडयंत्र फार्मूला बोल रहा है, ये कोई परिस्थिति बोल रही है। अभी इसको आप ये समझो कि ये अभी थोड़ा सा रहस्य है, कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा क्या है। उसने कहा, क्या कहा सुनिए, यही आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी है। देखो ये सारी दुनिया, क्या कह रहा था उसने, क्या कहा, देखो ये सारी दुनिया मेरी तरफ भागी चली आ रही है, देखो ये सारी दुनिया मेरी तरफ भागी चली आ रही है, और मैं हूँ कि मुझे फुर्सत ही नहीं है, और मैं हूँ कि मुझे फुर्सत ही नहीं है, यानी कि किस किस से मिलूँ, इतनी लंबी कतार और इतनी बड़ी भीड़ में। उसने मुझसे कहा, देखो ये सारी दुनिया मेरी तरफ भी भागी चली आ रही है, और मैं हूँ कि मुझे फुर्सत ही नहीं है, यानी कि किस किस से मिलूँ, इतनी लंबी कतार में, इस भीड़ में। आप बड़े किस्मत वाले हैं जो व्यक्तिगत रूप से मेरे संपर्क में आए। अब भाई हैं तो हैं, ईश्वर ने आपको चूज किया होगा, पसंद किया होगा। देखो ये सारी दुनिया मेरी तरफ भागी चली आ रही है, उसने कहा। आगे सुनिए, यहाँ कोई नहीं समझता
या अपने आप में कोई नहीं समझता, या कोई किसी को नहीं समझाता, या कोई किसी को नहीं समझाता, ये यहाँ ये सब हालतें करती हैं, यहाँ ये सब हालतें करती हैं, वे समझाती हैं। या कोई नहीं समझता, या कोई किसी को नहीं समझाता, यहाँ सब हालतें करती हैं। देखो इन थ्री एंड कंपनी को, देखो भाई ये थ्री एंड कंपनी क्या है, भाई इन थ्री एंड कंपनी को देखो, पहले ये समझ लो भाई ये क्या चीज़ हैं। तीन पत्थर हैं, तीन भूत हैं, तीन मजदूर हैं, तीन ग्रुप के लोग हैं, तीन पार्टियाँ, क्या है ये थ्री एंड कंपनी को देखो, ये बिल्कुल पगला गए हैं, ये बिल्कुल पगला गए हैं। और थ्री 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 टू 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 ये क्या चक्कर है, ये भागने की कोशिश करेंगे। और ये ग्रुप कितने हैं, टू एंड कंपनी, थ्री एंड कंपनी, अरे भाई ये तो करोड़ों हो सकते हैं, दो तीन और उनके दो तीन और उनके दो तीन, दो तीन दो तीन। देखो इन थ्री एंड कंपनी को देखो, ये बिल्कुल पगला गए हैं, ये तो मरेंगे। किसी ने कहा ये तो मरेंगे, अरे यार सबको मरना है इसमें कौन सी बड़ी बात है, सबको मरना है इसमें कौन सी बड़ी बात है यार मंगल भाई, ये तो पगला गए हैं। अरे सारे पगलाई पगलाई से दिखते हैं, मैं तो सारी दुनिया पगलाई सी है, अरे ये तो पकड़े जाएंगे, अरे यार इसमें कौन सी बड़ी बात कह रहा है मंगल, गलत करेंगे तो भाई पकड़े जाएंगे। जैसे कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान, अरे ये तो मारे जाएंगे, अरे ये तो मारे जाएंगे, यार इसमें तू कौन सी बड़ी बात कह दी, जो काम करेगा तो भाई मारा जाएगा। अरे भाई बड़ी बात है नहीं, बड़ी बात ये है कि ये तड़पा तड़पा कर मारे जाएंगे, ये तड़पा तड़पा कर मारे जाएंगे। हाँ यह तो चिंता की बात है भाई, यह तो चिंता की बात है। अरे भाई इसमें भी क्या चिंता की बात है, जो जैसा कर्म करेगा जिसकी किस्मत में लिखा है। अरे इसमें चिंता की बात है कि ये तड़पा तड़पा कर मेरे सामने नहीं मारे जाएं, मुझसे ही नहीं देखा जाएगा। उसने कहा, अब उसने कहा अब ये रहस्य के लबादे में है, बताऊंगा बाद में, अभी भी बता रहा हूँ। ये तड़पा तड़पा कर मारे जाएंगे, लेकिन इसमें बड़ी बात यह कि मेरे सामने मारे जाएगा, मैं ऐसा नहीं चाहता, नारे ना मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्यों नहीं होने दूंगा कि मेरे सामने होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मेरी आंखें ये नहीं देख सकेंगी, मेरी आंखें नहीं देख सकेंगी। हाँ तो बड़ी बात क्या हुई, अरे यार वो है कि ये तड़पा तड़पा कर मारे जाएंगे, मेरे सामने मारे जाएंगे, ये मुझे मंजूर नहीं है, नारे ना मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मेरी आंखें नहीं ऐसा होने देंगी, मेरे पास एक विशेष हृदय है, वह ऐसा नहीं देख सकता। अरे भाई तो मैं क्या कह रहा था, ये दोनों एंड कंपनी है, ये तीनों एंड कंपनी, एंड कंपनी में किसी का भी नाम हो सकता है, आप और हमारा किसी का भी। अरे भाई ये तड़पा तड़पा कर मारे जाएंगे, ये मेरे लिए बड़ी चिंता की बात है, कोई इनको जिंदा जलाने की कोशिश करेगा, कोई इन पर भूखे कुत्ते छोड़ेगा। अरे भाई ऐसा मत होने दो, कुछ करो। और ये बड़ी बात है, पता नहीं उसमें लिस्ट में किसका नाम हो, कोई किसी का नाम ऐड कर रहा है, कोई किसी का नाम ऐड कर रहा है। सुबह सुबह 3-4-5 बजे मैं ये लिख रहा हूँ, बड़ी भयानक सी बातें, लेकिन ये भयानक बातें मैं तुम्हें बचाने के लिए लिख रहा हूँ। गफलत में पड़े हैं सारे लोग, जैसे उनके बाप का राज हो, सबके इनके बाप का राज हो। एक बार लूट का माल हाथ लग गया, और बार लूट का ही लूट करो, लूट ही लूट करो, कोई क्या करता है।
हाँ, तो उसने और क्या कहा? उसने कहा कि ये मेरे जो सुनने वाले हैं, जितना सुनेंगे उतना ही मालामाल होने वाले हैं। कल के पिछले वीडियो का 24 घंटे में ये 600-700 व्यू जाए, क्या बताता है? बहुत लोग तबाह होने वाले हैं, बहुत लोग चिल्ला चिल्ला कर मरने वाले हैं। अरे गोदी मीडिया तो है तो सबके लिए है, ये फेसबुक और यूट्यूब वाले भी लोगों के साथ न्याय कर नहीं कर रहे, ये भी ऐसा ही कर रहे हैं कि अब मन मर्जी का, हम चाहे जिसके व्यू जाए, हम चाहे जिसके नहीं आए। देखो ये सारी दुनिया मेरी तरफ भी भागी चली जा रही है, और मैं हूँ कि मुझे फुर्सत ही नहीं है जाने की, किस किस से मिलूँ इस इतनी लंबी कतार में, इस भीड़ में। ऐसा ही होने वाला है, उसने कहा। ये तड़पा तड़पा कर मेरे सामने मार दिए जाएंगे, ये मुझे मंजूर नहीं है, तो फिर मुझे इनको बचाना चाहिए। इसलिए लोगों इनको पकड़ लो, क्योंकि इनको पकड़ कर तुम दया करोगे। इनको भागने मत देना, भागने नहीं देने से तुम इन पर दया करोगे। ये अब भागेंगे, जैसा तुम करो किसी पर दया करोगे, तुम करोगे ऐसा ही तुम्हारे साथ होगा। चाहे कितना ही बड़ा अपराधी है, दया तो वहाँ भी करनी है। तो कौन जाने वो किस चीज़ के वसीबूत ऐसा कर रहा है, भूख के, अज्ञान के, और कोई ऊपरी बड़ी शक्ति के, या कोई डिवाइन प्लानिंग के वसीबूत होकर वैसा कर रहा है। देखो ये 3N कंपनी को देखो, ये बिल्कुल पगला गए हैं। इनको मारना मत, इनको पकड़ कर ले रखना, इनका हिसाब किताब होगा। यही आज की जरूरत है। छोटा सा वीडियो है, मुझे उसने बताया, मैंने आपको बता दिया। सुबह सुबह भाई मेरा काम मुझे दे रखा है, अब मेरे खातों में सीधे बिना पूछे पैसे मत डालना। अब कुछ समय तक मैं किसी को षड्यंत्र नहीं दे रहा, कोई परोपकारी काम के लिए पैसे नहीं ले रहा। फिर जब काल आएंगे तब करना, मैं कहूँ जैसे, क्योंकि ये पैसे से आप लोगों की जान बचाई जाएगी, आपके बच्चों के लिए खर्च होगा। चाहे ये खर्च करता हुआ आपको कहीं भी दिखे कि हमारे लिए नहीं खर्च हो रहा, फिर भी आपके लिए खर्च होगा। क्या इमर्सन ने क्या कहा था? वॉट एवर यू डू फॉर अदर्स, यू डू फॉर यू। जो आप किसी के लिए करते हैं वो आपके लिए करते हैं, क्योंकि आप और वो एक ही हैं, आप और एक सारी दुनिया एक ही है। इससे निकलता है, इससे सिद्ध होता है कि आप ही आप हैं इस दुनिया में। अभी समझ जाओ कि आप ही आप ये टुकड़े टुकड़ों में बटकर ये सारी दुनिया में बसा हुआ है। अभी समझ जाओ, इन शब्दों समझ जाओ, तड़फा तड़फा कर मार दिए जाओगे, भूखे भेड़ियों के सामने डाल दिए जाओगे जिंदे ही, और आधे आधे से खा लिए जाओगे, जब हटा लिए जाओगे। क्या कर रहे हो ये? मेरी बातों को बुरा मत मानना, इन सबको फॉरवर्ड कर देना, लोग फॉरवर्ड नहीं कर रहे। ये भी शायद परमात्मा की इच्छा है। अरे बुद्धिमान तो वो जो इशारों में समझ जाए, वरना बेवकूफ तो डंडे खाने के बाद भी नहीं समझते, और जीने से वो दूसरों को देखकर ही समझ जाए कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। आप भारत में खास होने वाला है, ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।